इतनी बड़ी बात हो गई तुम्हारे साथ, और बेटा तुमने मुझे बताया तक नहीं। कैसे बताती, आप तो गई थी तिरुपति, एक बार भी मुझे फोन नहीं किया। बस कर, गए नहीं थे हम लोग, भेजे गए थे, प्रांजल नहीं भेजा था। हमें तो लगा था कि वो बड़ा पुण्य का काम कर रहा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है। क्या पता था हमें पुण्य की आड़ लेकर वो इतना बड़ा पाप करेगा। बहुत हो गया बेटा, चलो तुम मेरे साथ। मैं यहां से नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आता तुम क्यों नहीं चल सकती। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? बेटा पति के साथ ही ससुराल होता है, जब पति ही अपना नहीं रहता तो ससुराल कोई मायने नहीं रखता। चलो मेरे साथ, जी नहीं पाओगी तुम यहां पर, दम घुट जाएगा तुम्हारा। मुझे यहां रहना होगा मम्मा, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, क्योंकि प्रांजल। क्या कर लेगा वो प्रांजल, क्या कर लेगा वो? उसने जो कुछ भी करना था उसने कर लिया, सारी सीमाएं पार कर ली उसने, अब वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कर सकता। अब भुगतना तो उसे पड़ेगा, और उसे सबक मैं सिखाऊंगी, कानून के दायरे में रहकर सिखाऊंगी। पहले तो मैं उसकी असलियत उसके परिवार वालों के सामने लाऊंगी। तुम्हें प्रांजल से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डरना तो अब प्रांजल को पड़ेगा। मम्मा आप मेरी बात सुनिए, मैं बहुत मजबूर हूं, प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझे यहां रहना होगा मम्मा। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उस दिन पलक ने कहा था मुझसे, मैं समझ क्यों नहीं पाई, प्रांजल ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे, अपनी माँ को इतना बड़ा धोखा दिया उसने। नहीं, मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ, और इससे पहले मैं एक औरत हूँ, मुझे बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या बात करूँगी मैं, और वो भी अपने बेटे के खिलाफ? हे भगवान, आज आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं मुझसे। मैं एक औरत हूँ, और इस औरत के पितर में माँ भी हूँ, दोनों में से चाहे मैं जिसका भी साथ दूँ, दोनों तरफ हार तो मेरी ही है। प्रांजल, बहुत बड़ा पाप किया है तूने, बहुत बड़ा। अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं होती तो शायद मेरे दिल से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकलती, लेकिन एक माँ भगवान से एक ही प्रार्थना कर सकती है कि तुम्हारी इस गलती की बहुत बड़ी सजा ना दे तुम्हें। मुझे माफ कर देना भगवान, एक औरत होकर मैं दूसरी औरत के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। चलती हूँ सुषमा जी। अपरा ने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? कहीं इस खामोशी के पीछे कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं छिपा? अपरा, वो आते रहना, मैं अभी आई। हाँ मम्मा, आप आई मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल का बोझ हल्का हो गया। तुझे यहाँ इस तरह छोड़कर जाने को दिल नहीं मानता, पता नहीं वो प्रांजल क्या कर बैठेगा। मम्मा आप मेरी चिंता मत कीजिए, मेरे साथ और क्या हो सकता है, मुझे बस प्रांजल से सावधान रहना होगा। अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रांजल किसी भी हद तक जा सकता है। अब मुझे ये देखना है कि प्रांजल मेरी वजह से दक्ष को कोई चोट ना पहुंचाए। अपना ख्याल रखना बेटा, और कोई भी बात हो
तो मुझे फौरन बता देना, अकेली मत सहती रहना। आप भी अपना ख्याल रखना और पापा का भी। चलती हूँ बेटा। हे भगवान, क्यों मजबूर हो जाता है इंसान उसी के सामने जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। क्या हुआ पलक? तुम्हारी आंखों में आंसू, किसी से अपना दर्द बांट रही थी ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करो। राज जब हमराज तक पहुंचते हैं ना, तो कोई भी बात छिपती नहीं है। अगर कोई दुखती रग पर हाथ रखते तो आंसू अपने आप आ जाते। तुमने क्या सोचा? तुम कुछ करोगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मैं जानता हूं पलक कि तुम्हारी मां यहां आई थी। क्या कहा तुमने उनसे और उन्होंने तुमसे क्या कहा? अगर मैंने उनसे कुछ कहा होता तो इस वक्त मैं यहां नहीं होती। धमकी मत दो मुझे। ये मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। पर बीवी के साथ बलात्कार भी तो नहीं किया जा सकता कि नाती मुझे ये सोचकर कि तुम मेरे पति हो। दोबारा अगर ये शब्द तुम्हारी सुबह पर आया ना, तो क्या कर लोगे तुम? जो सच है उसे कोई बदल तो नहीं सकता ना? वाह 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 वाह, कैंची की तरह तुम्हारी सुबह चल रही है। लगता है काटनी पड़ेगी। हाँ, माँ आप यहाँ कुछ काम था? नहीं तो कुछ काम नहीं था, पर मैं मंदिर जा रही थी तो सोचा पलक मेरे साथ आ जाए। हाँ आप चलिए ना, पलक बस आ ही रही थी। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपनी माँ से कुछ कहा है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा और कोई हो भी नहीं सकता। बहुत बोलने लगी हो तुम। जब दक्ष को तकलीफ होगी ना, तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। प्लीज प्रांजल, दक्ष को कुछ भी मत करना। तुम्हें मेरे साथ जो कुछ भी करना है करो, दक्ष को छोड़ दो। वाह, इश्क हो तो ऐसा, किसी ने सच कहा है कि जब इश्क में आग लगती है ना, तो वो कभी बुझती नहीं है। चलो छोड़ दिया दक्ष को, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी की ना, तो समझ लो दक्ष का खेल खत्म। अब ये रोना बंद करो और नीचे जाओ, माँ तुम्हें बुला रही है। वो मित्तल एंड कंपनी की अकाउंट डिटेल्स की फाइल चाहिए मुझे अभी इसी वक्त। सर, प्रांजल सर ने आपको कोई भी फाइल देने से मना किया है। What? ऑर्डर देने वाला वो कौन आता है? हम आपको कोई फाइल नहीं दे सकते। ये बेगो, How can Pranjal do this to me? वो ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? मैं उससे बात करता हूँ, समझता क्या आपने आपको? अरे जिया, मैंने एक बात के तो, ये तो टीवी देख के रोती क्यों रहती है? टीवी की अपनी अलग ही दुनिया है, यू नो, डिफरेंट माँ, डिफरेंट बाप और एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली। इसलिए इन लोगों का दुख देखकर मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। इसीलिए इतना बड़ा परिवार देखना अच्छा लगता है। अब वो किस लिए रोते हैं ये तो राम जाने। देखिए, इनके साथ रोना अच्छा लगता है। ये सब रोना धोना देखकर ना मुझे भूख लगती है। मैं अपने लिए कुछ लेने जा रही हूँ, तुझे कुछ खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना है। हाय, अजय तो थकी गई, भूख लगी मैंने सबकर।
कैसा लग रहा है? I mean, बड़ा घर, बड़े लोग और बहुत सारा पैसा, मजा आ रहा होगा ना? ए, बड़े घर में रहने से मजा नहीं आता है, घर के लोग बड़े होने चाहिए। क्या तभी जिंदगी जीने का असली मजा आता है? तुम क्या समझो कि ये सब? वैसे आप यहाँ क्यों पधारी है, जरा कष्ट करेंगे ये बताने का? कुछ पैसे चाहिए क्या आपको? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगा, डोंट फील बैड। कितने भले लोग इस घर के जो तुम्हें छेल रहे हैं। अगर मैं उनकी जगह होती ना तो एक लात मार के तुम्हें बाहर निकाल देती। तुमसे बकड़ बकड़ करना तो दूर की बात है, तुम जाओ यहां से। जिया, तुम शायद ना इस देश के कानून को नहीं जानती, इसलिए इतनी बकवास कर रही हो। ए, पांच पांच रुपए में बिकते तुम्हारी कानून वाले, एक मिनट में तुम्हें शहर से बाहर निकाल सकती हूँ। देखना चाहती हो कैसे? नो, आई वुडंट, क्योंकि ये ना गंदा हो जाएगा। वैसे भी मैं तुम जैसे छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती। एक मिनट महारानी जी, मेरे मुंह मत लगना तुम, वरना ये जो है ना मुंह तोड़ना मुझे भी आता है। अरे क्या हुआ अब? हे भगवान, आपका ये हाल किसने किया? क्या बात है? उठिए, रोइए मत, बताइए क्या हुआ? मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। क्या? और आपने मार खा लिया? लेकिन क्यों? मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये औरतें अपने पति को बढ़ावा क्यों देती है, उसको हिम्मत क्यों देती है? उसकी हिम्मत को तोड़ो। पता नहीं क्यों ये पति अपने आप को समझते क्या है? यहाँ क्या कर रही है? ये भगवान के सामने रोना रोने आई है तू? अरे ये भगवान कुछ नहीं करने वाले। हाँ चल चल घर चल, मेरे साथ अभी चल। छोड़िए छोड़िए उन्हें, क्या कर रहे हैं? अपनी पत्नी के साथ ऐसे बिहेव करते हैं कोई? देखिए मैडम, ये पति पत्नी के आपस का मामला है। हाँ, आप बीच में मत आइए। और वैसे भी आप बीच में बोलने वाली होती कौन है? देखा पलक, ये पति ने तो बेटा, तुम्हें क्या लगता है क्यों क्यों औरत इतना अत्याचार सहती है? ये कोई नई बात नहीं है मम्मी जी, औरत चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, उसकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त तो आता ही है। सबसे ज्यादा अत्याचार औरत पर ही होता है। पलक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अपने मम्मी के घर जा सकती हो, मैं खुद आऊंगी तुम्हें छोड़। नहीं मम्मी जी, मैं यही ठीक हूं। हे भगवान, पलक को हर हालत में लड़ने की हिम्मत देना, उसे शक्ति देना। सर, प्रांजल सर ने आपको कोई भी फाइल देने से मना किया है। प्रांजल यही चाहता है कि मैं जोश में आकर कोई गलत कदम उठा लूं और वो सबके सामने मेरी इमेज खराब कर दे। मुझे चुप रहना चाहिए। दक्ष, इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो मेरे भाई? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, ऑफिस में तुम्हारे लिए तो कोई काम है ही नहीं। तुम चाहते क्या हो प्रांजल? तुमने मुझे करने के लिए जो कुछ भी कहा वो सब मैंने किया। Now what do you want? अरे तुम तो एकदम हाइपर हो गए, तुमने अपनी हद पार कर दी है प्रांजल। सबसे पहले सबके सामने तुमने जिया को बदनाम किया, फिर तुमने पलक के साथ ज्यादती की,
अब तुम मेरा काम भी छीन रहे हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं तुमने पलक के साथ क्या किया। अपने जुनून में आकर तुम ये भूल गए कि पलक तुम्हारी बीवी है। एक पति होने का तुमने नाजायज फायदा उठाया। ओ जस्ट शट अप। अगर तुमने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की ना, होल्ड इट, वरना तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता। पलक, ये तुमने ठीक नहीं किया। नाउ यू विल हैव टू पे फॉर दिस। सब कुछ उजाड़ कर अब समेटने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मतलब तुम मुझसे पूछ रही हो क्या कहा तुमने दक्ष से? मैंने दक्ष से कुछ भी नहीं कहा। झूठ बोल रही हो तुम। मेरे साथ ही चालबाजी। अब मैं दक्ष को नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जख्म दूंगा। जख्म मैं उसे दूंगा और वही जख्म तुम्हारी जिंदगी में नासूर बन जाएगा। प्लीज प्रांजल, ऐसा कुछ भी मत करना। यकीन मानो मेरा, मैंने दक्ष से कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। यकीन? और तुम पर? आई एम सॉरी पलक, मैं प्रेमियों पर यकीन नहीं करता। दक्ष मेरी जिंदगी में खतरा बन चुका है और अब मैं इस खतरे से बाहर निकलना चाहता हूं। इसलिए दक्ष को मरना ही होगा। नहीं प्रांजल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। याद करो, तुम वही प्रांजल हो जिसने दक्ष को बचाया था और उसे घर वापस लेकर आए थे। बचाने वाला मारने वाले से महान होता है। अगर बचाने वाला और मारने वाला एक ही इंसान हो तो? दक्ष को किडनैप मैंने करवाया। इतने दिनों घर से दूर मैंने ही उसे रखा। मैंने ही उसे मारा और मैंने ही उसे बचाया। अब तुम समझ गए ना मैं किस हद तक जा सकता हूं। जब तक मां का हाथ मेरे सर पर है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पलक, अब यह तय तुम्हें करना है। तुम्हें चैन से जीना है या हर पल एक नई मौत मरना है। तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी मौत दोनों तुम्हारे हाथों में। इट्स योर चॉइस। गॉड ब्लेस यू। इतनी रात हो चुकी है, दक्ष अभी तक आया क्यों नहीं? पलक ने मुझे फोन क्यों किया और फोन करके काट क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पलक किसी मुसीबत में है? मुझे पलक से बात करनी होगी। हेलो दक्ष। क्या बात है पलक, तुमने मुझे फोन किया था? तुम कहाँ हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कैसी हो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना?